नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं हम आज? आप हम जो है एमपीपीएससी का जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम है उसमें पार्ट जो सेकंड है उसके एक छोटा सा टॉपिक है कॉर्पस फंड, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। द टर्म कॉर्पस नोट्स द सम ऑफ सब्सटेंस ऑफ एन इशू एंटिटी, मीन्स कि कॉर्पस का जो अर्थ है कि किसी भी तरीके का मनी और किसी तरीके के सब्सटेंस ऑफ एनी इशू एंड एनी एंटिटी का हम उसको हम कॉर्पस के अंदर मानते हैं। सो फॉर ए लेमन पॉइंट ऑफ व्यू द कॉर्पस फाउंड शुड बी अंडरस्टूड एज द कैपिटल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या टोटल इनकम है उसके बारे में कॉर्पस को हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम कॉर्पस कह सकते हैं। द फंड जनरेटेड एंड कीप्ड फॉर द एग्जिस्टेंस एंड सस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस और सस्टेन करने के लिए जो फंड जनरेट किए जाते हैं वो कॉर्पस कहलाते हैं। बिल्डिंग ए कॉर्पस फंड इज इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर स्मूथ सस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इफ साइजेबल कॉर्पस एग्जिस्ट द कोर एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन स्टिल कंटिन्यू इन अ पीरियड व्हेन द ग्रांट एंड एक्सटर्नल हेल्प आर नॉट अवेलेबल। तो कॉर्पस फंड जो होता है एक तरीके से कई तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, लाइक डोनेशन से और जो होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनजीओ से, फंडिंग एजेंसी से। तो इस तरीके से कॉर्पस को हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रखता है कि अगर कोई गवर्नमेंट का फंड नहीं है और कहीं से ग्रांट नहीं मिल रही तो भी वो इंस्टीट्यूट चलता रहे। जैसा बताया मैंने कि कॉर्पस फंड कहाँ कहाँ से अरेंज होता है, तो एक्सटर्नल सोर्स से यूनिवर्सिटी जनरेट कर सकती हैं। कैसे? जो थ्रू पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूशन कंसल्टेसी फ्रॉम, तो जो यूनिवर्सिटी है पार्टिसिपेट कर सकती, कंट्रीब्यूट कर सकती है, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकती है जिससे कुछ फंड जनरेट कर सकती है। कोई इंडिविजुअल है इंडिया का और या नॉन रेसिडेंशन इंडिया है वो फंड हमें डोनेट कर दे, कुछ एलोमानी है जो पढ़ के छात्र निकले हैं वो अगर कुछ डोनेट कर दें, पब्लिक एंड फैमिली ट्रस्ट हैं वो कुछ डोनेट कर दें, इंडस्ट्री बिजनेसमैन कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स एसोसिएशंस यूनियंस हैं दे कैन ऑल्सो गिव सम फंड, एंड म्यूनसिपाल्टी पंचायत एमपी एमएलए दे भी हमें फंड दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो कॉर्पस फंड है उसका यूनिवर्सिटी अरेंज करती है। सो वाई इट इज नेसेसरी, तो यूनिवर्सिटी में क्रिएट ए कॉर्पस विथ मोबिलाइज फंड एंड मे यूटिलाइज ऑन द फॉलोइंग आइटम्स, मीन्स अगर अब फंड एक बार जनरेट हो गया तो यूनिवर्सिटी उसका कहाँ कहाँ यूज कर सकती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग क्लासरूम लेबोरेटरी स्टूडेंट हॉस्टल क्लिनिक ईटीसी, रिन्यूवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, परचेस ऑफ इक्विपमेंट स्टूडेंट स्टाफ एमिनिटीज कैंटीन प्लेग्राउंड जिमनेशियम, परचेस ऑफ बुक एंड जर्नल, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस फॉर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस फॉर स्टूडेंट स्कॉलरशिप, डेवलपमेंट ऑफ एक्सटेंशन एक्टिविटीज सेमिनार वर्कशॉप रिसर्च थ्रू द डायरेक्ट फंडिंग एंड ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चेयर्स, इनोवेशन एकेडमिक प्रोग्राम्स इंक्लूड रिसर्च एंड एक्सटेंशन वर्क। सो ये सब जो एरिया हैं यहाँ से फंड को हम इसका यूज कर सकते हैं कॉर्पस फंड का। जो कॉर्पस फंड है वो इस तरीके से डोनेशन होता है, ठीक है, रिटर्न डायरेक्शन फ्रॉम द डोनेसर दैट डोनेशन मेड सेल ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ए ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, इट्स सेल शोन सेपरेटली इन शेड्यूल बी सी शेड्यूल जे ऑफ आईटीआर 7
interest are known the investment of corpus will be treated as a income or trust institute such income may be applied to the charitable purpose thereby saving it from income tax means iska jo corpus ka jo interest hai wo bhi institute use kar sakti hai but iska means jo hai charitable purpose ke liye use kiya ja sakta hai so this fund act is a assurance to the UGC that the management of institute will fulfill its commitment to provide quality education and research any violence of UGC norms or those specified by the respective statutory regulatory council would lead to an upward appraisal or fortification of this fund amount this interest recurred on the fund can be used for capital expenditure and development of the institute only means ki ye fund UGC ko assure karta hai ki wo institute apna jo hai commitment wo pura karta hai ki wo is fund ka use koi galat tarike se nahi karega UGC ke rule ke anusar karega aur ye fund apne jo hai university ki aur jo institute hai uske development ke liye use hoga so kindly like subscribe and share our channel so that ki us जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सिलेबस है मैं धीरे धीरे खत्म कर दूं थैंक्स